नवरात्रि त्योहार है फास्टिंग में फीस्टिंग का, और आज हम यही कर रहे हैं, फास्टिंग में फीस्टिंग की तैयारी। लेकिन रोज रोज ये सोचना कि आज क्या बनाया जाए, फिर रोज भिगोना, पीसना, नई नई तैयारी करना, इन सब प्रॉब्लम का सलूशन है मेरे पास। मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ एक ऐसे स्पेशल नवरात्रि प्रीमिक्स की रेसिपी जिससे आप ढेर सारी डिशेस बना सकते हैं। और ये डिशेस हैं फलारी डोसा, फलारी उत्तपम, फलारी अप्पे, फलारी ढोकला और आलू लौकी का पराठा भी। और जानते हैं इस प्रीमिक्स को बनाने के लिए मुझे चाहिए केवल दो इंग्रेडिएंट्स, लेकिन सही रेशियो में, क्योंकि इनका सही रेशियो होना ना बहुत जरूरी है। तो फिर क्या कहते हैं, शुरू करें। तो हर नवरात्रि में ना मैं पहले से ही इस प्रीमिक्स को बना करके रख लेती हूँ, ताकि ऑफिस जाने से पहले मुझे कोई प्रॉब्लम ना आए, फटाफट मेरा सारा नवरात्रि का खाना बन जाए। और जैसे मैंने आपको बताया, इसके लिए मुझे चाहिए होते हैं केवल दो इंग्रेडिएंट्स। देखिए, पहला तो है ये सामा का चावल, जिसे हम सामो राइस भी कहते हैं। ये व्रत में खाया जाता है और आजकल तो बहुत इजीली हर जगह अवेलेबल भी है। और दूसरा मुझे चाहिए होता है ये साबुदाना। तो सही रेशियो क्या होगा, आधा कप साबुदाना लूंगी तो उसका 5 गुना यानी कि 2.5 कप मैं लूंगी सामा का चावल। अब सामा का चावल देता है उसको वो टेस्ट, और ये जो साबुदाना हमने इसमें ऐड किया है ना, ये साबुदाना देता है इसको बाइंडिंग। अब हमको करना क्या है, इसको पीस करके इसका एक फाइन पाउडर बना के रख लेना है। अब जस्ट टू एंश्योर कि इसमें कोई भी लार्ज पीसेस ना रह गए हों, तो हम क्या करेंगे, हम इसे पहले एक छन्नी से छान लेंगे ताकि हमारे पास एक फाइन पाउडर रेडी हो जाए। अब थोड़ा थोड़ा करके हम इसे पीसेंगे, क्योंकि अगर ज्यादा ये मिक्सी में भर जाएगा ना तो इसको पीसना हमारे लिए डिफिकल्ट हो जाएगा, इसका फाइन पाउडर नहीं बनेगा। लीजिए, तैयार हो गया हमारा प्रीमिक्स। अब आप इसे किसी भी एयरटाइट कंटेनर में स्टोर करके पूरी नवरात्रि भर के रख सकते हैं। लेकिन मैं तो पहले आज आपको दिखाने जा रही हूँ कैसे आप इससे बना सकते हैं वो 5 डिशेस। तो चलिए सबसे पहले तो इससे बनाते हैं मेरी फेवरेट डिश, जो है फलाहारी डोसा। अब डोसा बनाने के लिए मुझे एक पार्ट चाहिए होगा पहले अपना प्रीमिक्स। 1.5 गुना पानी ले लूंगी और पहले इसे अच्छे से मिक्स करके 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ दूंगी। तो जब तक मेरा यहाँ बैटर रेस्ट करता है, आलू की उसके लिए एक स्टफिंग बना लेते हैं। तो अब अपने पैन में लूंगी मैं 1 चम्मच मूंगफली का तेल। देखिए, सोयाबीन का तेल व्रत में नहीं खाया जाता है, आप मूंगफली का तेल, तिल का तेल या फिर देसी घी का इस्तेमाल कीजिए। अब इसमें ऐड करूंगी 1/2 छोटा चम्मच जीरा, 1/2 छोटा चम्मच कटी हुई हरी मिर्च, बारीक कटी अदरक, और पहले इसे सौते कर लूंगी। अदरक और मिर्च भी जब फ्रेग्रेंट हो जाएगी तो ऐड करेंगे इसमें ये बॉयल किया हुआ, ग्रेट किया हुआ आलू, और इसी के साथ साथ सेंधा नमक, इसे भी मिक्स कर लेंगे और 2 से 3 मिनट के लिए हम सौते कर लेंगे। तो लीजिए, हमारी डोसा की स्टफिंग भी रेडी हो गई। अब चढ़ाते हैं अपना डोसा पैन और इस पे डालेंगे पहले केवल 2 बूंद तेल, और इसे तेल के साथ हम क्लीन करके रख लेंगे। ऐसा करने से हमारा डोसा जो है तवे पे चिपकेगा नहीं। अब वाइल द तवा इज वार्म, बहुत गर्म तवा नहीं होना चाहिए आपका, बस थोड़ा सा गर्म हो, जैसे हम डोसा स्प्रेड करते हैं एग्जैक्टली वैसे ही हम इसके ऊपर अपना डोसा स्प्रेड कर लेंगे। अब डालेंगे इस पे 1 चम्मच ऑयल और इसे कुक कर लेंगे जब तक हमारा डोसा अच्छे से क्रिस्प नहीं हो जाता। अब ये देखिए हमारा डोसा कितना बढ़िया क्रिस्प हो गया है। अब इसके अंदर अगर आप चाहें तो अपनी स्टफिंग रखिए और एक बढ़िया सा डोसा एंजॉय कीजिए। तो लीजिए,
डोसा तो हो गया रेडी, देखिए कितना क्रिस्प डोसा बना है ये। तो ये तो हो गया एक साउथ इंडियन टेस्ट, अब आपको एक नॉर्थ इंडियन टेस्ट का मजा देते हैं और बनाते हैं इसी प्रीमिक्स के साथ एक पराठा, वो भी आलू और लौकी का। इसके लिए वंस अगेन मैं ले रही हूं यहां पर ये प्रीमिक्स, और जितना प्रीमिक्स है ना मेरे पास, इसमें इसका आधा मैं पानी ऐड करूंगी और पहले इसको अच्छे से मिक्स करके रखेंगे। तो मेरा मिक्सचर कुछ ऐसा होगा ड्राई, पहले मैंने बैटर बनाया था वैसा नहीं। अब इसी मिक्सचर में मैं ऐड करूंगी थोड़ा बारीक कटा हुआ हरा मिर्च, थोड़ी बारीक कटी हुई हरी धनिया, अदरक, जीरा, इसी के साथ साथ थोड़ा सेंधा नमक भी, और इसमें मैं मिलाऊंगी एक कच्चा आलू, लेकिन इसे ग्रेट करके। तो सीधे आप इसी पे डायरेक्टली इसे ग्रेट कर दीजिए। अब मेरे पास है यहां पर ये लौकी भी, और जितना मैंने यहां पर आलू लिया है ना उतनी ही लौकी भी ग्रेट करके मैं अपने पराठे के डो में मिला लूंगी। अब इसे आप अच्छे से मिक्स कर दीजिए, लेकिन इसे एक ड्राई डो की तरह नहीं बनाऊंगी मैं इसको थोड़ा सा वेट डो रखूंगी, थोड़ा सा इसमें भी पानी और मिलाऊंगी ताकि इसे तवे पे फैलाना मेरे लिए इजी हो जाए। अब ये डो ना रह के बहुत कुछ एक थिक बैटर के जैसा हो जाएगा। चलिए फिर अपना तवा गरम करते हैं और बनाते हैं पराठे आलू और लौकी के। पराठा जब एक तरफ से सिक जाएगा इसे पलट के दूसरी तरफ से भी अच्छे से सेक लेंगे, और अब ऐड करेंगे इसमें थोड़ा सा ऑयल और ऑयल के साथ इसे अच्छे से क्रिस्प कर लेंगे। अब धीमी धीमी आंच पे हमने एक बढ़िया सा कुरकुरा सा पराठा सेक लिया है। अब इसे सर्व करते हैं हम बढ़िया से अनार के रायते के साथ फॉर अ लॉट ऑफ फ्रेशनेस। तो ऐसे ही एक और पराठा बना लेते हैं। तो हमारे ये पराठे हैं टेस्टी भी और इसी के साथ साथ हेल्दी भी। तो जब तक मेरा दूसरा पराठा सिकता है ना तब तक अपनी तीसरी रेसिपी की तैयारी कर लेती हूँ, और तीसरा मैं बनाने जा रही हूँ इसी प्रीमिक्स के साथ अप्पे। अब अप्पे बनाने के लिए ना वंस अगेन मैं लूंगी एक कप प्रीमिक्स, और इस एक कप प्रीमिक्स में मैं ऐड करूंगी बारीक कटा हुआ हरा धनिया, बारीक कटी हुई अदरक, बारीक कटी हुई हरी मिर्च, थोड़ा जीरा, और इसी के साथ साथ बारीक कटा हुआ टमाटर भी, और मिलाऊंगी इसमें मैं 3 टेबलस्पून दही, और इसका एक बैटर बना लूंगी। अब इस बैटर को भी हम 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे, और याद रखिएगा अभी हमने इसमें नमक नहीं ऐड किया है, तो चलिए नमक भी ऐड कर दें नहीं तो यही भूल जाऊंगी मैं। तो हमारा पराठा भी यहाँ पर थोड़ा सा पक चुका है, बस इस पे ऑयल डालते हैं, इसे क्रिस्प कर लेते हैं और निकाल लेते हैं। और अब ये तवा हटाते हैं और इसकी जगह यहाँ पर एक अप्पा पैन लेकर आते हैं। अब अप्पे पैन की हर कैविटी में ले लेंगे हम आधा चम्मच ऑयल। अब ये जो बैटर हमने यहाँ बना करके रखा था ना, ये बैटर भी अच्छे से फूल चुका है, लेकिन एक चीज अभी मैं इसमें और ऐड करूंगी, और वो है आधा चम्मच फ्रूट सॉल्ट। ये इसको रेज करने में हमारी हेल्प करेगा। अब इसे जल्दी से मिक्स कीजिए और अपने अप्पे पैन की कैविटीज में फिल कर दीजिए। अब इसे कवर करके हम कुक हो जाने देंगे जब तक कि ये अप्पे फूल के डबल नहीं हो जाते, और फिर इसे टर्न करके दूसरी तरफ से भी क्रिस्प कर लेंगे। हाँ, अगर आप व्रत में इनो फूड सॉल्ट नहीं खाते हैं तो आप दही के साथ इस मिक्सचर को कम से कम 2 घंटे के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ दीजिएगा। ऐसे इसमें नेचुरल फर्मेंटेशन होगी जिससे आपके अप्पे अच्छे बढ़िया बढ़िया फूले फूले बनेंगे। अभी अप्पे भी बढ़िया से गोल्डन एंड क्रिस्प हो चुके हैं, इन्हें भी निकाल लेते हैं और सर्व करते हैं बढ़िया सी हरी चटनी के साथ। अब मेरी चौथी रेसिपी है ढोकला, और उसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ऑलरेडी स्टीमर अपना चढ़ा लिया है। अब बनाते हैं ढोकले का बैटर, और इसके लिए मैं अपने बोल में लूंगी एक पार्ट प्रीमिक्स, और इसमें ऐड करूंगी इक्वल क्वांटिटी में पानी, और इसे मिक्स करके रेस्ट करने के लिए छोड़ दूंगी 10 मिनट के लिए।
देखिए कुछ इस कंसिस्टेंसी का बैटर हमें चाहिए, तो एज रिक्वायर्ड आप इसमें पानी और ऐड कर दीजिएगा। अब अपने बैटर में मैं मिलाऊंगी 3 चम्मच दही, थोड़ा सा सेंधा नमक और इसे भी अच्छे से मिक्स कर दूंगी। मेरे पास है यहाँ पर ये एक एल्यूमिनियम का केक टिन, आपके पास जो भी मोल्ड हो या फिर ग्लास मोल्ड हो आप उसमें ये ढोकला बना सकते हैं। बस इसको पहले हम थोड़ा सा ऑयल के साथ ग्रीस कर लेंगे। अब इस प्रिपेयर्ड बैटर में मैं ऐड करूंगी 1 चम्मच इनो फ्रूट सॉल्ट और इसे अच्छे से मिक्स करके इमीडिएटली इसे अपने टिन में पोर कर दूंगी। इसे इमीडिएटली आप अपने स्टीमर में रखिए और कम से कम 20 से 22 मिनट के लिए हम इसे स्टीम कर लेंगे। तब तक अपने पांचवी और आखिरी रेसिपी का बैटर प्रिपेयर कर लेंगे ना, जो है फलाहारी उत्तपम। बैटर के लिए लेंगे हम 1 कप प्रीमिक्स, इसी के साथ ऐड करूंगी इसमें थोड़ी बारीक कटी हुई हरी धनिया, बारीक कटी हुई हरी मिर्च, अदरक, थोड़े सेसमे सीड्स भी और टमाटर। नाउ एज रिक्वायर्ड इसमें पानी डालेंगे और डालेंगे सेंधा नमक और इसका एक थिक सा बैटर बना लेंगे। बैटर जब रेस्ट कर चुका होगा तब इसमें ऐड करेंगे हम 1/2 चम्मच फ्रूट सॉल्ट और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब चढ़ाएंगे अपना पैन और पैन में लेंगे थोड़ा सा ऑयल, इसमें थोड़ी सी सेसमे सीड्स ऐड करेंगे और फिर 1/2 द बैटर आई एम गोइंग टू पोर ओवर माय पैन। जब अंडर साइड से ये अच्छे से गोल्डन हो जाएगा ना, तो पहले थोड़ा तो ऑयल हम इसके ऊपर और पोर करेंगे, थोड़े सेसमे सीड्स डालेंगे और फिर पलट के इसको भी दूसरी तरफ से क्रिस्प कर लेंगे। दिस ऑल्सो डन और हमारा ढोकला भी यहां पक चुका है, तो चलिए अब ढोकला निकाल लिया जाए। तो जब तक मेरा ढोकला ठंडा होता है ना, इसके ऊपर लगाने के लिए एक बढ़िया सा तड़का प्रिपेयर कर लेते हैं। और उसके लिए वंस अगेन लेते हैं अपने पैन में थोड़ा सा मूंगफली का तेल और तेल जब गर्म हो जाएगा इसमें डालेंगे हम थोड़े से सेसमे सीड्स, थोड़ी सी बारीक कटी हुई हरी मिर्च। 5 मिनट के बाद एक चाकू के हेल्प से आप ढोकला को रिलीज कर दीजिएगा और फिर 2 प्लेट्स की मदद से इसे हम इजीली निकाल लेंगे। देखिए कितना सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी बना है हमारा ढोकला। अब इसके ऊपर अपना प्रिपेयर किया हुआ तड़का पोर करेंगे, थोड़ी हरी धनिया डालेंगे और इसी के साथ साथ थोड़ी सी काली मिर्च भी स्प्रिंकल करेंगे। अब इसे पीसेस में कट कीजिए और एंजॉय कीजिए अपना ढोकला चटनी के साथ। और देखिए बातों बातों में हमारी 5 रेसिपीज विद जस्ट 1 प्रीमिक्स हो गई रेडी। अब आप इसे घर में जरूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपका फेवरेट इनमें से कौन सा रहा।